हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको राखी के लिए कैसे तैयार होना है। वैसे मैं दोनों चीज़ एक ही वीडियो में करना चाह रही थी, पर मुझे लगा वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता। बहुत लंबा वीडियो लोग देखना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सटल सा, सिंपल सा मेकअप, नेचुरल जिसे कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं एक आइस क्यूब लेती हूँ, ठीक है। उससे अपने फेस पे पूरा ऐसे रब कर लेती हूँ, आँखों के पास और ऐसे फोरहेड पे। सी, फिर देखिए आप चेंज दिख रहा होगा मेरा पहले से आपको इसमें, ठीक है। पहले से कितना सही चेंज आया है। फिर आपको क्या करना है, आपको मॉइस्चराइज़र लेना है, जो कि मैं तो यूज़ करती हूँ ये निविया का। आप जो भी यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। डैमेज ना करे आपकी स्किन को। हल्के हल्के हाथ से ऐसे मसाज टाइप का करिए, ठीक है। देखिए फिर आपको क्या करना है, प्राइमर लेना है, ठीक है। ये प्राइमर मैं लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो, ठीक है, आप वो प्राइमर यूज़ करो। वैसे लोग कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ, और भी कोई जैसे बीबी क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती। आपके अगर आपको ज़रूरत है, आपकी स्किन वैसी है कि आपको कोई आपके पिंपल्स हैं या कुछ भी, तो वो अगर आपको हाइड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ करती हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर, ठीक है। थोड़ा सा लीजिए यहाँ पे, डी ब्लेंडर के इससे आपको इसे ब्लेंड कर लेना है पूरे में। डन हो गया। अब आप जो थोड़ा बच गया है ब्यूटी ब्लेंडर पे, आप उसे अपने नेक पे लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कॉम्पैक्ट से अपने अंडर आईज पे, जहाँ पे आपने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पे, और जहाँ भी, मैं इसे क्यों क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि शायद ये ऐसे ही कोई लोकल सा है, ठीक है। मेरे पास ना मेकअप किट बहुत लिमिटेड है, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती। हल्का फुल्का कभी वही जो वीडियो शूट करती हूँ तो वही करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ठीक है, और मैं कोई प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस मुझे जो आता है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्यों, नेक्स्ट मैं आईब्रोज फिल नहीं करती, मैं ऐसे सिंपल रहने, क्योंकि अगर आप आईब्रोज फिल करते हो ना तो फिर वो नेचुरल नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आई शेडो ले रही हूँ एक, ये बेस को सबसे पहले करने के लिए। ये क्रीम सा है, ये वाइट भी नहीं है, क्रीम कलर है, ठीक है। हाथ से ही कर रही हूँ, इसे ब्रश से नहीं हो पाता है, ठीक है। करके ये ग्लिटर कलर है इसी में, वो यूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है। डन, ठीक है। ठीक है, अब मैं
मस्कारा यूज़ करूँगी, ठीक है। ये है आपका मेबलिन का ही है, ठीक है, न्यूयॉर्क दी हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ, ठीक है। मैंने मिरर ही नहीं लिया है। अब ये डन हो गया। नेक्स्ट, आपने ये जो कॉम्पैक्ट लगाया था, अब इसे इस ब्रश के से, ठीक है, आपके पास जो भी ब्रश है उससे मिला दीजिए पूरे इस पे, फेस पे। ये वेट एंड वाइट का है सेटिंग स्प्रे। इससे पहले आपको अपने मेकअप को सेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे की एनरिच क्रेयॉन, एनरिच लिप क्रेयॉन है, ठीक है, ये न्यूट कलर ही है, ठीक है, उससे यूज़ करती हूँ। पहले लिपस्टिक के पहले मैंने ये लगाना है। तो मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बार ये डन हो जाता है, उसके बाद आपको ये जेल यूज़ करनी है, ठीक है। ये भी वेट एंड वाइट की है जेल फॉर्म में लिपस्टिक, ये भी न्यूट कलर है। अब इसे मैं लेके हल्का हल्का टैप सा कर लेती हूँ, और इसी से ब्लश भी करती हूँ मैं, हल्का सा नोज़ पे, हल्का हल्का सा। ब्रश से आपको पहले से अच्छे से मिला लेना है। सेम नोज पे भी। अगर आप ब्लश और यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कम रखती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका बचता है, और जो है मेरा फेवरेट हाइलाइटर, ये वेट एंड वाइट का हाइलाइटर है, ठीक है। ऐसे करके अब आपको ऐसे ब्रश की हेल्प से सी शाइनिंग फेस। सो ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जिन जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चाहो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।